हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जब हम बात करते हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी की, तो हमारी जो सबसे पहली टॉपिक होती है, द टॉपिक इज द लिविंग वर्ल्ड। इस टॉपिक में बेसिकली हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ, व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, साथ ही साथ टैक्सोनॉमी क्या होता है, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, व्हाट डू यू मीन बाय बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड ऑल सच थिंग्स। यहाँ पर हम लोग टैक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन भी पढ़ेंगे इस टॉपिक में, और साथ ही साथ हम लोग कुछ एडिशनल चीजें भी इस टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम अभिजीत प्रकाश झा एंड आई वुड लाइक टू वेलकम वन एंड ऑल इन माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी गुरु। और बिना देर किए हुए हम लोग इस टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ। लाइफ को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो जब लाइफ को डिफाइन करने की बात आती है, तो लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस विच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो इस डिफिनेशन पर अगर हम ध्यान दें, तो इस डिफिनेशन के दो पार्ट्स होते हैं। लाइफ को एक हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं मॉलिक्यूल्स का, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन शो कर सकते हैं, एंड ड्यू टू एक्शन ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शंस ए लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगोज ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो ये सारे फीचर्स आपके पाए जाते हैं एक लाइफ के डिफिनेशन में। इसी के साथ दूसरा एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर लाइफ को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। लाइफ को हम कैसे डिफाइन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, दैट मींस के अपने डीएनए की कॉपी बना सकता है, विच कैन अंडरगो कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, जो कि हमेशा इवोल्यूशन के फेज में रहता है, और जो कि साथ ही साथ किसी भी इंटरेक्टिव सिस्टम को रेगुलेट कर सकता है, एंड अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई वो अपने रिएक्शंस को शो कर सकता है। तो इसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफाइन करते हैं। तो डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस टॉपिक को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, इन दिस चैप्टर वी विल कवर 5 डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द वेरी फर्स्ट वन इज नोन एज ग्रोथ, सेकेंड वन इज नोन एज रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, फोर्थ वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द लास्ट वन इज कंसियसनेस। तो 5 प्रॉपर्टीज हम लोग इस टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वन इज ग्रोथ, फॉलोड बाय रिप्रोडक्शन, फॉलोड बाय मेटाबॉलिज्म, देन फॉलोड बाय सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसियसनेस। तो इन 5 प्रॉपर्टीज को हम लोग 1 by 1 कवर करने की कोशिश करेंगे। डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज ग्रोथ। तो क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो ग्रोथ इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास ऑफ सेल्स बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन। तो ग्रोथ की जब बात करते हैं, तो ग्रोथ में आपका 2 क्राइटेरिया आता है। पहला क्राइटेरिया होता है इंक्रीज इन नंबर, और दूसरा क्राइटेरिया होता है इंक्रीज इन द मास ऑफ सेल। और कैसे होता है ये? सेल डिवीजन के द्वारा होता है। तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ग्रोथ इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास ऑफ सेल्स। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ इन प्लांट्स एंड ग्रोथ इन एनिमल्स। जब हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, तो इन केस ऑफ प्लांट्स ग्रोथ जो होती है ये कंटिन्यूअस होती है, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन चलता रहता है। नाउ समवन माइट आस्क यू, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो रीजन आपकी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल से ही आपका टिश्यू बनता है। तो प्लांट्स के केस में उनके एपिकल पार्ट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है। दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यू, और ये हमेशा डिविजन के फेज में रहता है। इसीलिए प्लांट्स के केस में ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है। ऑन द अदर हैंड, एनिमल्स के केस में आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यू जो होती है एब्सेंट होती है, और इसी एब्सेंट होने के कारण ही, अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स के केस में
जो ग्रोथ होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका सीज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्लांट के केस में ग्रोथ कंटिन्यूअस होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू। एनिमल्स के केस में ग्रोथ जो होती है सीज हो जाती है, रुक जाती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि एनिमल्स में मेरिस्टमेटिक टिश्यू नहीं पाया जाता। हाउएवर देयर अकर सेल डिविजन एंड दिस सेल डिविजन बेसिकली हेल्प टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। जो आपके सेल लॉस्ट हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, इंजोर्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसे हम सेल डिवीजन के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां तक फ्रेंड्स समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यहां पर एक प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन आती है, कैन वी से दैट ग्रोथ इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या हम ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान सकते हैं? तो इसका आंसर आपका होता है नो। ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों नहीं हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस में भी पाई जाती है। जैसे कि किसी एक जगह पर जहां पर बालू जमा हो, वहां पर जब हवा बहेगी तो बालू वहां से डिस्प्लेस होकर किसी और जगह पर जाकर गिरेगा। जिस जगह पर गिरेगा वहां पर आपकी मास इंक्रीज कर रही है, तो हम इसे भी कैसा बोल सकते हैं? ग्रोथ बोल सकते हैं। लेकिन एक डिफरेंस याद रखना है, डिफरेंस आपकी क्या हो जाएगी इन केस ऑफ नॉन लिविंग। जब हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो नॉन लिविंग के केस में ग्रोथ जो होती है वो आपकी एक्सट्रिंसिक होती है। एक्सट्रिंसिक मींस की एक्सटर्नल होती है, सरफेस से नीचे की तरफ जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो ग्रोथ जो होती है वो इंट्रिंसिक हो जाती है। इंट्रिंसिक मींस की इंटरनल ग्रोथ होती है एंड इट टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन। और दिस इज द रीजन व्हाई ग्रोथ इज नॉट डिफाइंड एज लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ इज नॉट डिफाइंड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसे समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल डिफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। जिस प्रोसेस के द्वारा हम प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं और जो कि अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन की एक और डिफिनेशन होती है विच इज मच मोर टेक्निकल। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर यंग वंस इन ऑर्डर टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीसीज। वह एबिलिटी जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है ताकि इस प्लेनेट अर्थ में उनकी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहे, तो इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग जब हम बोलते हैं तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। दैट मींस कि ऑर्गेनिज्म दो तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। यहां पर कुछ चीजें और याद रखनी है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको याद रखना है कि सेक्स ऑर्गेन आपकी एब्सेंट होती है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, मियोसिस नहीं होती है, और आपका वेरिएशन भी नहीं बनता। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में मियोसिस डिवीजन होती है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, इम्ब्रियो बनती है, और साथ ही साथ इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत सारे वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं। चलिए बात करते हैं अब हमारे दो कॉन्टेक्स्ट को लेकर। अगर हम यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बेस ले लेते हैं, इन केस ऑफ यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और आपकी रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इसको सिनोनिमस बोला जाता है। व्हाई सिनोनिमस? लेट्स टेक एक सिंपल एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया। अगर आप बैक्टीरिया को देखोगे तो बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करती है? बाय मीन्स ऑफ बाइनरी फिजन, बाय मीन्स ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरियल सेल का आपका न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड करता है, कैरियोकाइनेसिस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के बाद आपकी दो सेपरेट जो होगी सेल बनकर तैयार होगी। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि दिस बाइनरी फिजन इज बेसिकली ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, बाइनरी फिजन में कोई भी ऑर्गेनिज्म बीच से स्प्लिट हो जाते हैं और दो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। लेकिन यहां पर ग्रोथ का एक क्राइटेरिया फॉलो होता है कि ग्रोथ इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ पेरेंटल सेल एक था, लेकिन जब हम देखते हैं डॉटर सेल को तो यहां पर नंबर आपकी इंक्रीज कर गई है, टू हो गई है। अगर ये दोनों डॉटर सेल फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये चार न्यू डॉटर सेल्स बनाएंगे। दैट मीन्स कि हर एक डिवीजन के बाद नंबर ऑफ सेल जो होगा वो इंक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कंसिडर्ड एज सिनोनिमस। ठीक है,
अभी तक समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगर हम पूछें कि वेदर रिप्रोडक्शन कैन बी रेफर्ड एज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हमारा आंसर होगा नो। रिप्रोडक्शन को भी हम एक डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते हैं। व्हाई? बिकॉज ओवर हियर यू कैन सी एग्जांपल ऑफ म्यूल और वर्कर हनी बी। हमारे दुनिया में, हमारे प्लेनेट अर्थ में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने पूरे लाइफ स्पैन में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कि म्यूल्स का एग्जाम्पल देख लो आप, म्यूल्स आर स्टराइल, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। वर्कर हनी भी, ये भी कैसे होते हैं, स्टराइल होते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये भी कभी चाह कर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन इस रिप्रोडक्शन के बावजूद इनकी लाइफ जो होती है वो कंप्लीट होती है, नॉर्मली कंप्लीट होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं द रिप्रोडक्शन इज नॉट ए परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन को भी हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अब यहां पर आपका ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले समझना है कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, उन सारे रिएक्शंस के सम टोटल को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म जो होती है, दिस इज नॉन एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिकॉज नॉन लिविंग सब्सटेंसेस के केस में, आपके ऑब्जेक्ट्स के केस में, आपकी मेटाबॉलिज्म एब्सेंट होती है। और मेटाबॉलिज्म केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। दैट्स व्हाई मेटाबॉलिज्म इज नॉन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। साथ ही साथ याद रखना है, दो तरह का मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है। द फर्स्ट टाइप इज नॉन एज एनाबॉलिक रिएक्शन एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन एज कैटाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। अब यहां समझना है कि एनाबॉलिज्म इज द एनाबॉलिक रिएक्शंस आर बेसिकली कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस आर बेसिकली डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। तो हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उन सब के सम टोटल को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, विच इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इफ यू टॉक अबाउट मेटाबॉलिक रिएक्शंस, अगर हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं, ये सेल फ्री सिस्टम में भी डेमोन्स्ट्रेट किए जा सकते हैं। हाउएवर आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो, यहां पर एक आपका वर्ड आ रहा है इन विट्रो। इन विट्रो मतलब होता है अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। तो अंडर लेबोरेटरी कंडीशन हम जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम कैरी करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली वो लिविंग थिंग्स होता नहीं है, लेकिन वो रिएक्शंस को हम लिविंग रिएक्शंस रेफर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं फोर्थ टॉपिक की ओर, फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर, नॉन एज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। इफ द ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, इट इज नॉन एज यूनिसेलुलर। एंड इफ ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल, इट इज नॉन एज मल्टी सेलुलर कंडीशन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में यूनिसेलुलरिटी एंड मल्टी सेलुलरिटी इज द डिफाइनिंग फीचर अमोंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चाहे आप बैक्टीरिया की बात करो, विच आर मोस्टली यूनिसेलुलर, या फिर प्रोटिस्टा की बात करो, ऑल मेंबर्स आर यूनिसेलुलर। बट इफ यू टॉक अबाउट फंगस, प्लांट एंड एनिमल्स, तो फंगस, प्लांट और एनिमल्स के केस में हम इन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म, चाहे आपके बैक्टीरिया हो, चाहे आपके कॉम्प्लेक्स एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्हें भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफाइनिंग फीचर की तरह रेफर करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रॉपर्टी, नॉन एज कंसियसनेस। नाउ दिस कंसियसनेस इन हिंदी, इट इज नॉन एज चेतना। एंड इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज ए यूनिक एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, और एनवायरमेंटल स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अपने रिस्पॉन्स को भी शो कर सकते हैं। तो यही आपकी कंसियसनेस की डिफिनेशन होती है। कंसियसनेस इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। अब यहां पर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई इज द प्लूरल वर्ड, सिंगुलर इज स्टिमुलस,
तो स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी एजेंट जो कि किसी रिएक्शन को ट्रिगर करता है, किसी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। जैसे कि लाइट एक तरह की स्टिमुलस होती है, वाटर हो गई, टेम्परेचर हो गया, अदर ऑर्गेनिजम्स, केमिकल्स एंड पॉल्यूटेंट्स, दीज आर नोन एज द स्टिमुलस। और इन्हीं स्टिमुलस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने रिस्पॉन्स को शो करते हैं। चलते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने सराउंडिंग के लिए अवेयर होते हैं। कैसा परिवर्तन हो रहा है हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरमेंट में, अकॉर्डिंग टू द चेंजेज हम अपने एक्शन और अपने रिस्पॉन्स को भी चेंज कर सकते हैं। एंड साथ में याद करने की बात है कि आउट ऑफ द फाइव दिस कंसियसनेस इज ऑल्सो नोन एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसे भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। और अगर बात की जाए, ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कंसियसनेस, ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसियसनेस इज ए फीचर विच इज कॉमन एमोंग ऑल ऑर्गेनिज्म। कंसियसनेस तो सारे ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, लेकिन ह्यूमंस इकलौते ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेल्फ कंसियसनेस जिनमें पाई जाती है। इसका मतलब कि हम अपने एनवायरमेंट में क्या क्या चेंजेस करते हैं और उन चेंजेस का हम पर क्या असर पड़ता है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म केवल रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं, वो उन रिस्पॉन्स के प्रति अवेयर नहीं रह सकते। इसलिए हम बोलते हैं कि ह्यूमंस आर द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये हमारी पहली टॉपिक थी आज, इस टॉपिक को हमने कवर करने का कोशिश किया है। अब चलते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए लवली डे, एंड काइंडली डू लाइक द चैनल, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट अमंग द नीडफुल स्टूडेंट, एंड वंस अगेन सिंसियर थैंक यू फ्रॉम हार्ट।